सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, जो घोषणा करने वाली सरकार है। 2024 के लिए कांग्रेस कितनी तैयार माने, क्योंकि जिस तरह से अभी संगठन भी नहीं बन रहा है कांग्रेस का, और आरोप लगा रहते हैं चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कि कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं। 31 सीट आई हमारे, तो अब तो 15 से बने 31 पहुंचे, और ये कहां से कहां पहुंचे। कह रहे थे कि जिस तरह से टिकटों का पिछली बार वितरण हुआ वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। लगातार जो चुनावी वर्ष है उसमें कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ पूर्व सीएम और प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। हुड्डा साहब, जिस तरह से कांग्रेस का जो परिवार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी तक जो है कि 26 पूर्व जो विधायक हैं उन्होंने ज्वाइन की, आगे क्या रणनीति है? ये लोग जो हर वर्ग से कांग्रेस को है, ये संकेत है कि बीजेपी जजपा की सरकार जा रही है, कांग्रेस की आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा धरातल पर एक बड़े नेता हैं, और कह सकते हैं कि हरियाणा में अगर कांग्रेस आ सकती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आ सकती है। कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी के जो भी जिम्मेवारी लगाएगी कार्य करेंगे। जहां बात करें तो हरियाणा में किस तरह का आप लोगों के कांग्रेस के प्रति रुझान है लोगों का? ये बहुत जो है, जैसे हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो किया, विपक्ष आपके समक्ष किया और जन मिलन किए, तो बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस के प्रति। लोगों का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, और जो मौजूदा बीजेपी जेजेपी सरकार है उससे हर वर्ग विमुख होता जा रहा है। जो मुद्दे हैं सर हरियाणा की खासकर बात करें तो क्या मुद्दे हैं, और किन मुद्दों को लेकर कहाँ आप लोग जनता के बीच जा रहे हो? मुद्दे देखो, 2014 में जो प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश और नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में जो हरियाणा पूरे देश में अव्वल दर्जे पर था, आज इस चीज में है नंबर एक। नंबर एक है बेरोजगारी में, नंबर एक है महंगाई में, नंबर एक है भ्रष्टाचार में, और नंबर एक है अपराध में। ऊपर के 2-3 स्टेटों के मतलब पहुंच गया अपराध क्राइम रेट से। आप देखो जो नेशनल क्राइम रेट ब्यूरो है उसके क्राइम देखो, बहुत तेजी से अपराध बढ़ रहा है। जहाँ जेजेपी की जो और जो बीजेपी की सरकार चल रही है, 3.5 साल इनके होने को है, 9 साल खट्टर सर की सरकार को होने को, किस तरह कार्यकाल देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने विकास की हरियाणा में बाहर ला दिया है, इसमें ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, सिर्फ घोषणा करने वाली सरकार है। आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें रिवाड़ी में एम्स बनाने के लिए तो शुरू में हुई थी, 9 साल हो गए, 8 साल। इसी प्रकार से जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमने बनाया था, उसको यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी, आज तक पूरे नहीं कर सके। कोई भी परफॉर्मेंस कोई नहीं है इनकी, कोई इनके पास उपलब्धि नहीं है जो बता सके। और इसी वास्ते ना किसी को, किसान को MSP मिलती समय पर, गरीब आदमी को जो हम 100-100 गज के प्लॉट देते वो नहीं मिलते, तो हर वर्ग व्यापारी वैसे परेशान है, भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है, युवा को रोजगार नहीं मिलता, तो हर वर्ग जो इससे विमुख हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। वही जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी, वो कहते हैं कि हुड्डा सरकार रही 9 साल कार्यकाल से भी ज्यादा, तो उन्होंने जो उद्योग लगे थे वो उद्योग छोड़ के चले गए। हमने जो जैसे खरखोदा में मारुति उद्योग आया वो हमारी सरकार का रेलवे कुछ ऐसा है, हमारे समय में जो उद्योग लगे थे, अकेले 1 लाख बेरोजगारी जो है केवल फरीदाबाद से हुई है, छोड़ गए। और जो मारुति करे IMT मारुति किसने बनाया था, और ये तो जो है मारुति के मालिक से जापान में जब मैं गया था ये बात तय हो गई थी कि हमारे 3 IMT हैं, एक गुड़गांव एक्सटेंशन करोगे, रोहतक में करोगे और खरखोदा, उस समय उन्होंने किया था। ये तो 8-9 साल प्रोजेक्ट डिले कर दिया इन्होंने, ये तो 9 साल पहले आना चाहिए था। वहीं आप आरोप लगाते कि इसमें भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी ज्यादा है, प्रदेश में काफी कह सकते युवा बेरोजगार है ही ना, मैं तो मेरा थोड़ा ही है, ये तो रिकॉर्ड की बात है, CMI की रिकॉर्ड है, इन अपना प्लानिंग कमीशन के उससे रिकॉर्ड उठा के देख लो, NSO की रिकॉर्ड उठा के देखो, महंगाई में अव्वल दर्जे पे है हरियाणा, मेरा थोड़ा ही है, हर चीज में विफल सरकार है। ये कहते हैं कि वो जो रिपोर्ट पेश करते हैं वो सिर्फ कांग्रेस से प्रेरित होकर वो रिपोर्ट करते, इसलिए NSO कोई कांग्रेस से प्रेरित है? नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है,
महंगाई में अव्वल दर्जे पर हरियाणा में, उसने बताया अभी तो बताया। और जो सीएमआई की बात करते हैं, ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी हरियाणा की बेरोजगारी बहुत तेजी से है, जो नेशनल में है, राष्ट्रीय स्तर की, उससे भी बड़ी है। और सीएमआई की रिपोर्ट गुजरात में वो प्रचार करते हैं, यूपी में हो चुनाव में जब उसका कहते हैं भाई हमारी इतना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन यूपी में कुछ और हरियाणा में कुछ और, ऐसा तो नहीं होता है। 2024 के लिए कांग्रेस कितनी तैयार माने, क्योंकि जिस तरह से अभी संगठन भी नहीं बन रहा है कांग्रेस का, और आरोप लगा रहते हैं चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कि कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है। कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं है? संगठन कांग्रेस का चुनाव हुआ है, मेंबरशिप हुई है, पीसीसी के मेंबर बन गए, एआईसीसी के मेंबर बन गए, प्रक्रिया है और भी हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि 90 की 90 सीटों पे जो कांग्रेस है पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी? क्यों नहीं, कब नहीं उतरी, हर बार उतरी। तो ये कहते हैं जो जेजेपी के नेता हो, ये कह रहे हैं कि भाई पिछली बार भी तो हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो इस बार क्या नहीं अध्यक्ष होते, लेकिन पिछली बार 4,000 वोट गए तो फर्क रह गया, 31 सीट आई हमारे, तो अब तो 15 से बने 31 पहुंचे, और ये कहां से कहां पहुंचे। तो आप कह रहे थे कि जिस तरह से टिकटों का पिछली बार वितरण हुआ वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, होता हो जाता है पार्टियों में, मेरा हिसाब से टिकटों की और ठीक ठरा हो जाता 5-7-10 टिकटों पे तो हमारी सरकार बन जाती है। जो कुछ नेताओं में मनमुटाव है वो साथ लेकर चलेंगे सर? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है, सब साथ। तो 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है? हाँ, कांग्रेस की सरकार बन। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस से संगठन लेवल पर काम कर रही है और जल्द ही संगठन की घोषणा हो जाएगी और 2024 पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।